में वेब सिटी और सन सिटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, जीडीए की बोर्ड बैठक में दोनों का प्रस्ताव खारिज हो गया है और ईमानदार डीएम आरके सिंह और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने वेब और सन सिटी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। संशोधित डीपीआर और लेआउट पास करने का प्लान जीडीए की बोर्ड बैठक में लाया गया था और वेब सिटी और सन सिटी के प्रबंधकों ने जीडीए को कई पत्र लिखकर लेआउट संशोधित करने का अनुरोध किया था, लेकिन सीएजी की आपत्ति और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क को लेकर बोर्ड बैठक में मची रस्साकशी और वेब सिटी और सन सिटी का फ्यूचर फिलहाल खतरे में है। 572 करोड़ रुपए के अलावा कैसे करोड़ों का ब्याज भी वेब सिटी और सन सिटी को चुकाना होगा। सूत्रों के मुताबिक 2010 का शासन आदेश वेब सिटी और सन सिटी के पक्ष में था, लेकिन 2014 के नए शासन आदेश में वेब और सन सिटी का खेल बिगाड़ दिया है। जीडीए बोर्ड बैठक के इस फैसले के बाद वेब सिटी के इन्वेस्टर्स टेंशन में आ जाएंगे और न्यूज वन इंडिया के पास वेब सिटी से जुड़ी अहम जानकारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां जीडीए बोर्ड बैठक के इस फैसले के बाद वेब सिटी के इन्वेस्टर्स टेंशन में आ जाएंगे। वेब और सन सिटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईमानदार डीएम आरके सिंह और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने वेब और सन सिटी का प्रस्ताव खारिज किया है और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर। इस पे ब्रिजेश जी, दोनों सोसाइटीज को यह बड़ा झटका लगा है। राजेश, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईटेक सिटी का सपना दिखाया गया था गाजियाबाद को कि यहाँ पर हाईटेक सिटी बनेगी, जो मॉडर्न कॉलोनियाँ बनेंगी, अपार्टमेंट्स बनेंगे और लोगों को आवास दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हाईटेक सिटी में, जिसमें दो प्रोजेक्ट आते हैं, एक वेब सिटी का था, दूसरा सन सिटी का था, दो प्रोजेक्ट थे। 2010 में जो वेब सिटी थी वो 4400 एकड़ में जो है प्रोजेक्ट उसका तैयार हुआ था और जो सन सिटी थी वो 4300 एकड़ में थी। लेकिन उस वक्त जो लेआउट बनाया गया था, जो डीपीआर बनाया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि जब इसका एमओयू साइन हुआ था दोनों बिल्डरों के साथ, उस एमओयू साइन होने के बाद एक अध्यादेश आया और जिस अध्यादेश के तहत यह कहा गया कि जो वेब और सन सिटी यानी जो हाईटेक सिटी को लेकर के जो लैंड यूज कन्वर्जन कॉस्ट होती है उसको छोड़ करके आवासी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह आदेश 2010 में आया और उसे आवासी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब सीएजी ने इस पर ऑडिट किया तो सीएजी ने इस पर एक बड़ी फाइनेंशियल इररेगुलरिटी माना, जिसको सीधे तौर पर यह कहा कि 572 करोड़ का नुकसान जीडीए को हुआ है। दरअसल 2014 का जो शासनादेश है वो ये कहता है कि आप लैंड यूज चेंज करने के लिए जो लैंड यूज की कॉस्ट है वो आपको लेना जरूरी है। और सबसे अहम बात ये है कि आप जब 8000 एकड़ के आसपास आप जो पूरी लैंड की बात कर रहे थे, अब आप सोचिए अगर इसमें इसके लैंड यूज जो कन्वर्जन चार्ज है वो आपका 572 करोड़ के आसपास आता है 2010 से। और सबसे बड़ी बात है, सीएजी ने आपत्ति क्या लगाई थी? सीएजी ने आपत्ति ये लगाई थी कि पहले आपने एमओयू साइन किया फिर आपने अध्यादेश लागू किया, तो क्या अध्यादेश आपने इन दोनों बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए वो अध्यादेश लेकर के आए थे कि जिसमें ये कहा गया था कि लैंड यूज जो चार्ज है वो नहीं लगेगा और आवासीय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इस पर सीएजी ने आपत्ति जताई थी और ये भी कहा था कि ये 572 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल स्कैम है।